गर्भवती माता की गणेशासी अंतःकरण से प्रार्थना। हे विघ्नहर्ता गणेशा, आप सदैव मेरे सभी कार्य बिना किसी विघ्न के पूर्ण करना। आज एक गर्भवती माता आपसे अंतःकरण से अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा हेतु प्रार्थना कर रही है, तो हे गजानन, आप मेरी प्रार्थना जरूर सुनना। हे पार्वती पुत्री, आपके आशीर्वाद से ही मेरे गर्भ में आपका ही अंश पल रहा है, जिसकी सदैव रक्षा करना, उसका लालन पालन भरण पोषण आप करना, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। हे विघ्नहर्ता, मुझे इतना सामर्थ्य प्रदान करना कि मैं आपके स्वरूप को आपके ही अनुरूप बना पाऊँ। हे मुरारी, मुझे ऐसी संतान प्राप्त हो जिसमें आप जैसे ही गुण हो, जैसे आप दूसरों के विघ्न दूर करते हो, वैसे ही मेरा बेटा, मेरी बेटी दूसरों के दुखों को दूर करके सबके जीवन में खुशियां भर दे। हे गणेशा, आपके कान तो बहुत बड़े हैं, हाथी जैसे कान हमें यह संदेश देते हैं कि हमें अच्छा ही सुनना है। हे चतुर्भुज गणेशा, जैसे आप अच्छे श्रोता है, वैसे ही मेरा शिशु भी एक अच्छा श्रोता बने। बोलने से ज्यादा सुनना, यह आपका संदेश मेरा शिशु अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन आगे बढ़ाए, क्योंकि कहा जाता है किसी भी स्थिति को संभालने के लिए एक अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। हे गजानन, आपकी मूर्ति का एक पैर आगे टिका है, जो हमें दर्शाता है कि हमें जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। घर हो या काम या मौज मस्ती और खेल, जीवन में हमेशा संतुलन बनाए रखना पड़ता है। हे विघ्नहर्ता, मेरे शिशु पर ऐसी कृपा करना कि वे सदैव जीवन में संतुलन बनाए रखे और आपकी ही तरह हर परिस्थिति में मुस्कुराता रहे। हे मंगल मूर्ति, मैं चाहती हूँ कि मेरा शिशु आपकी ही तरह विद्यावान, ज्ञानी, तेजस्वी, खुशहाल, शास्त्रों में निपुण बने, आपके जैसे ही सर्व गुणों से परिपूर्ण बने। आपकी अमित दृष्टि सदैव के लिए मेरे गर्भस्थ शिशु और मेरी गर्भावस्था पे बनाए रखना। हे लंबोदर, आपकी दो छोटी छोटी आंखें हैं, वो अच्छा ही देखती है, मेरा शिशु उसकी आंखों से अच्छा ही देखे। गणपति जी की आंखें छोटी छोटी है, जो हमें यह ज्ञान देती है कि हर चीज को सूक्ष्मता से देख परख कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। मेरा शिशु भी निर्णय लेने में पारंगत बने, दीर्घ दृष्टा बने, वैसे सभी गुण मेरे गर्भस्थ शिशु में ढालना। हे मेरे अति प्रिय गणेशा, मेरे शिशु को इतना सुंदर, मनमोहक, प्यारा सा बनाना कि हर कोई देखे तो प्यार हो जाए। इतना तेजस्वी, जो अपने तेज से अपना जीवन एक अलग मुकाम पर लेकर जाए, जैसे आप सभी को प्रिय है, वैसे मेरा शिशु भी सबको प्रिय बने। हे वक्रतुंडी, आपका बड़ा मस्तक है, जो दर्शाता है कि सोच को बड़ा बनाए रखना है। आपकी ही तरह
मेरा शिशु भी अच्छा और बड़ा सोचने वाला बने। हे विनायक, आपका बड़ा पेट है जो दर्शाता है कि भोजन के साथ साथ बातों को भी पचाना सीखे और हर परिस्थिति में खुश रहने की हमें सीख देता है। आपका बड़ा पेट हमें प्रतीति कराता है कि आपके पेट में कोई ईर्ष्या, द्वेष और पाप नहीं है। आप दूसरों की खुशी में खुश रहते हैं। वैसे ही मेरा शिशु भी सबका भला सोचने वाला बने, दूसरों की खुशी में खुश रहने वाला बने, हमेशा दूसरों के दुखों को दूर करने की कोशिश करे, जो आपके जैसा है परोपकारी बने। हे एक दंत, आपका एक टूटा हुआ दांत दर्शाता है कि चीजों को कैसे सदुपयोग किया जाए। हे एक दंत, आपका एक टूटा हुआ दांत दर्शाता है कि चीजों को कैसे सत उपयोग किया जाए। जैसे आपने बाल्यकाल में युद्ध में अपना दांत खोया था, वैसे ही मेरा शिशु भी अपनी हर एक चीज का सद उपयोग करे, अपना जीवन सही मायने में सार्थक करे। हे विनायक, आप सब जगह अपनी बुद्धि का उपयोग करके ही निर्णय लेते हो, वैसे ही मेरा शिशु भी कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच समझ कर ही अपना निर्णय मान्य रखे। हे महाबल, हे विनायक, आपके पास तो सदैव के लिए रिद्धि सिद्धि रूप लक्ष्मी का निवास रहता है, फिर भी आप निराभिमानी निर्लोभी है। हे सिद्धि विनायक, मेरे शिशु को निराभिमानी बनाना। उसके पास बहुत धन आ जाने के बाद भी वह अपना जीवन कृतज्ञता पूर्वक जिए, सबका भला सोचे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, ऊंच नीच का भेद ना रख के सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला बने। हे एकाक्षर, मेरे शिशु को आपके ही जैसा बनाना, आपके जैसे ही निराभिमानी निरअहंकारी निर्लोभी बनाना। हे पार्वती पुत्र, जैसे आपने अपने माता पिता के चरणों में समस्त सृष्टि को देखा था, उसकी प्रदक्षिणा की थी, वैसे ही मेरा शिशु भी अपने माता पिता का नाम रोशन करे, अपने माता पिता की हर एक बात को माने, अपने माता पिता के चरणों में ही समस्त सृष्टि को देखे, सदैव उसकी पूजा करे, उसका ध्यान रखे, परिवार की खुशियों में खुश रहे। आप अपने भाई के साथ विनम्रता और स्नेह से रहते हैं, वैसे ही मेरा शिशु भी अपने भाई बहन के साथ विनम्रता पूर्वक रहे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, ऐसी सूझबूझ मेरे शिशु को प्रदान करना। हे लंबोदर, जैसे मधुर गुण आप में है, वैसे ही गुण मेरे शिशु में उतरे, वैसी कृपा करना। हे बुद्धिनाथ, मेरे शिशु में आपके जैसे ही सभी देवी गुण प्रवेश करे, ऐसी कृपा करना। उसके लिए मुझे भी अच्छी माता बनना पड़ेगा, ताकि मैं अपने शिशु को अच्छा बना पाऊँ, उसको सही से संस्कार दे पाऊँ, अच्छी तरीके से उसका लालन पालन कर पाऊँ, उसे एक अच्छा व्यक्ति बना पाऊँ, जो देश में अपनी अलग पहचान बनाए रखना। हे लंबोदर, मैं हर रोज अपने गर्भस्थ शिशु के लिए वैदिक गर्भ संस्कार की सभी एक्टिविटी करती हूँ,
जो मेरा माइंड एकदम फ्रेश रखती है और मेरे गर्भस्थ शिशु को भी हैप्पी और हेल्दी रखती है। हे महागणपति, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि मेरा आने वाला शिशु तेजस्वी, विद्यावान, परोपकारी, बलवान और श्रेष्ठ हो। उसके विचार उच्च कोटि के बने। उसके जन्म से हमारा और लाखों लोगों का जन्म सफल हो जाए। ऐसा भाग्य मेरे शिशु का बनाना। हे कृपा कर, मैं जब भी आपको देखती हूँ तो मैं अपने सारे दुख दर्द को आसानी से भूल जाती हूँ और आपको ही देखती रहती हूँ। तो वैसे ही मेरा शिशु भी आपके जैसे ही तेजस्वी, ऐश्वर्यवान, शौर्यवान बने, ताकि हम उसको देखकर हमारा सारा दुख भूल जाए। हे लंबोदर, हे गणाध्यक्ष, मेरी आपसे यही विनती है कि आपके जैसे गुण मेरे शिशु में प्रवेश करे। ऐसी कृपा करना मेरे नाथ, ऐसी कृपा करना। आप स्वयं मेरी कोख में पधारो। मैं सदैव के लिए आपके गुणों को याद करके अपना जीवन कैसे अच्छा बनाना है, वह प्रोत्साहन मेरे शिशु को देकर ही अपना जीवन व्यतीत करूंगी। हे पीताम्बर, मेरे संपूर्ण गर्भावस्था के सारे कष्ट और दुखों को हरना, मेरी गर्भावस्था मेरे गर्भस्थ शिशु के साथ आनंदमयी बने, ऐसी कृपा करना प्रभु, ऐसी कृपा करना। जय श्री गणेश। अब आप मेरे साथ 3 बार यह गणपति मंत्र का उच्चारण करें और अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा करें। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, रक्ष त्रैलोक्य रक्षकम्, भक्तना भयं कर्ता, त्राता भव भवार्णवा। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, रक्ष त्रैलोक्य रक्षकम्, भक्तना भयं कर्ता, त्राता भव भवार्णवा। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, रक्ष त्रैलोक्य रक्षकम्, भक्तना भयं कर्ता, त्राता भव भवार्णवा।